अनीता की मधुमक्खियां। दृश्य में तुम क्या देख पा रहे हो? इसमें कौन रहता है? जी हाँ, मधुमक्खियां। जैसे तुम अपने मित्रों से बात करते हो, क्या मधुमक्खियां भी करती होंगी? शहद की ये मक्खियां अपने नृत्य के द्वारा ही परस्पर बातचीत करती हैं। है ना मजेदार रहस्य? दोस्तों, क्या तुम जानते हो कि शहद की मक्खियों के पंख बहुत तेज गति से फड़फड़ाते हैं? एक सेकंड में लगभग 200 बार। मधुमक्खी के छत्ते में तीन तरह की मधुमक्खियां होती हैं। रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी और नर मधुमक्खी। और पता है, एक श्रमिक मधुमक्खी अपने जीवन में लगभग एक चाय की चम्मच के 12वें हिस्से जितना शहद बनाती है। रानी मधुमक्खी का मुख्य काम है अधिक से अधिक अंडे देकर मधुमक्खियों को पैदा करना। श्रमिक मधुमक्खियां आकार में छोटी होती हैं और छत्ते में सबसे अधिक शहद इकट्ठा करती हैं और अंडों की देखरेख करती हैं। नर मधुमक्खियां शहद इकट्ठा नहीं करते। देखा तुमने कितनी मेहनती होती है मधुमक्खियां? आओ अब देखते हैं भारत के बोचहा ग्रामीण इलाके की पहली लड़की जिसने मधुमक्खी पालन को अपना व्यवसाय बनाया। तुम्हारे आसपास यदि कोई मधुमक्खी पालन करता है तो उनसे जाकर बातचीत करो और पता करो कि ये सब कैसे होता है।